हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आपका दोस्त आज रवि आज आपको एक ज़बरदस्त वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं। तो इसकी जो न्यूज़ है हम सबसे पहले लेकर आए हैं दोस्तों, तो आपके सामने मैं उपस्थित हुआ नई वैकेंसी के साथ। तो हाँ दोस्तों, तो जो है आप देख रहे हैं कि ऑफिशियल साइट है कि बैंक ऑफ इंडिया की, तो यहाँ पर एक जो है नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। बैंक द्वारा बंपर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है दोस्तों। अगर आपका भी सपना है बैंक में नौकरी करने का, तो बहुत शानदार मौका है दोस्तों आपके पास इस सपने को पूरा करने का। तो हम अभी इस बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं, तो दोस्तों यहाँ से हम इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं। तो उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल जाए आपको। और दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। फटाफट मैं इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो क्वालिफिकेशन क्या है, स्टार्ट डेट, फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, सारी डिटेल इसमें मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये हमारा नोटिफिकेशन जो है डाउनलोड हो चुका है। तो इसमें जो है ये यहाँ पर जो है 1 तारीख ये जो है ऑफिसर की पोस्ट हैगी ग्रेड स्केल 4 की जो हैगी, इसकी जो डेट हैगी जो स्टार्ट डेट है वो जो होगी 16 तारीख से इसके जो है फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों। उसकी जो लास्ट डेट है वो जो है 29 तारीख है। और इसके जो है आवेदन जो है ऑनलाइन ही मांगे जा रहे हैं। और जो इसमें जो एज क्वालिफिकेशन जो आपकी जो मांगी जा रही है, जो एज काउंट की जाएगी, तो वो है 1 सितंबर 2020 से जो काउंट की जाएगी। तो दोस्तों इसका डिटेल में हम देख लेते हैं इसका और एक नोटिफिकेशन। तो दोस्तों ये हमारा जो है नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है। तो इसमें हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इसकी स्टार्ट डेट जो है वो 16 तारीख है, और जो इसकी लास्ट डेट है वो 30 तारीख। इससे पहले आपको अप्लाई करना है दोस्तों। जो इसमें जो एज क्वांट काउंट की जाएगी, तो आपकी जो है 1 सितंबर 2020 के हिसाब से ये काउंट की जाएगी। तो दोस्तों इसका जो एग्ज़ाम है अभी इसकी जो है डेट अभी आई नहीं है, तो अभी इसकी डेट आने वाली है जल्दी, इसकी डेट भी बता दी जाएगी दोस्तों आपको। उसका वीडियो भी बना देखूंगा अगर इसमें कुछ भी नया चेंजेस होता है दोस्तों। तो इसमें जो है तो कुल जो है 214 जो है इसमें पोस्ट निकाली गई है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं 214 टोटल पोस्ट निकाली गई है। दोस्तों बात कर लेते हैं सैलरी की, तो यहाँ पर आपको मैं सैलरी दिखा देता हूँ। आप अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग इसमें जो है सैलरी दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 23,000, 31,000 सेकंड, तो इसके लिए थर्ड वाली के लिए 42,000, और इसके लिए 50,000। अलग अलग जो है अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी यहाँ पर दोस्तों। बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन में आपको जो है ST SC OBC को जो है 5% की छूट दी गई है, और अदर के लिए जो है 60% इसमें अनिवार्य में मार्क्स जो है चाहिए रहेंगे ग्रेजुएशन में, जिससे कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं दोस्तों। इसमें एज लिमिट देख लेते, तो ये जो शेड्यूल ST SC के लिए जो है 5 साल की छूट दी गई है यहाँ पर, और OBC के लिए जो है नॉन क्रिमिलियर जो है उनके लिए 3 साल की, और जो बेच जो विकलांग जो होंगे अपने उनके लिए 10 साल की। दोस्तों बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के, तो क्वालिफिकेशन में आपको जो है ST SC OBC को जो है 5% की छूट दी गई है, और अदर के लिए जो है 60% इसमें अनिवार्य में मार्क्स जो है चाहिए रहेंगे ग्रेजुएशन में। ऑनलाइन एग्जामिनेशन तो इस टेस्ट में जो है 50 नंबर का जो है यहाँ पर पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव, और इसमें जो है 75 नंबर का जो है प्रोफेशनल नॉलेज पूछा जाएगा, और साथ में जनरल अवेयरनेस और स्पेशल रेफरेंस और बैंकिंग इंडस्ट्रीज के लिए 50 नंबर पूछा जाएगा, जिसके लिए आपको 150 मिनट दिए जाएंगे। तो जो है जो टेस्ट जो है वो इंग्लिश में अवेलेबल होगा, बाइलिंगल हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। अगर इंग्लिश मीडियम है तो उसको दोनों इंग्लिश में ही मिलेंगे, और अगर आप हिंदी मीडियम से है तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिले जाएंगे। तो दोस्तों मैं इसमें आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो है माइनस मार्किंग रहेगी, और माइनस मार्किंग जो है कि 0.25 मार्क्स जो है इसमें माइनस मार्किंग, मतलब गलत आंसर देने पर 0.25 मार्क्स आपके कम कर दिए जाएंगे दोस्तों। इसको आपको राइट आंसर ही लगाना है दोस्तों इसमें। तो बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें जो है एप्लीकेशन फ़ीस के लिए बात कर लेते हैं, एप्लीकेशन फ़ीस में कितनी लग रही है। तो इसमें जो है ST SC और PWD के लिए जो है 175 रुपीज़ इसमें जो है एप्लीकेशन फ़ीस है, और जनरल और OBC और अदर के लिए जो है 850 रुपये जो है इसमें फ़ीस लग रहा है दोस्तों। और आपको जो है ऑनलाइन आवेदन करना है, यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पर दिया है, और इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, तो www.bankofindia.co.in। दोस्तों मैं इसमें आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो है माइनस मार्किंग रहेगी, और माइनस मार्किंग जो है कि 0.25 में एक खास बात मार्क्स जो है इसमें माइनस मार्किंग तो गलत आंसर देने पर 0.25 मार्क्स आपके कम कर दिए। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है जमा कराया गया, तो ऑफिसर फर्स्ट के लिए जो है 1 लाख रुपये जमा कराए जाएंगे, और ऑफिसर 2 के लिए जो है MMGS 2 के लिए जो है 2 लाख रुपये, और अगर और 3 के लिए जो है 3 लाख रुपये। यहाँ पर यह लाइन आप पढ़ सकते हैं कि सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड डिपॉजिट टू स्पेसिफाइड अमाउंट एज सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल आफ्टर 3 ईयर। अगर आप 3 साल से पहले अगर नौकरी छोड़ते हो, तो ये आपका जो है इसलिए आप कहिए आपसे जो है इतने पैसे जो है सिक्योरिटी में डिपॉजिट करवाएंगे, ताकि आप नौकरी छोड़ के ना जाएँ। इस वीडियो में मैं आपको इस वैकेंसी से जुड़ी सारी बातों को बता चुका हूँ। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दोस्तों इस वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है उसका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमें वीडियो को लाइक करें, साथ में अपने दोस्तों को शेयर करें, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद आपका, मैं ऐसे ही आगे भी नई वैकेंसी की अपडेट आपके लिए लेके आता रहूँगा।